उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में मेरठ है जो मेयर सीट है उसे लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी में पेच फंस गया है। कतौली में जीत के बाद आरएलडी के खेमे में दावेदारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी अतुल प्रधान अपनी पत्नी सीमा प्रधान के लिए मेयर का टिकट मांग रहे हैं, लेकिन फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ रखा है। गठबंधन की सीट जिसके भी कोट कोटे में जाएगी और चुनाव उसे ही मजबूती से लड़ाया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह उनके गठबंधन की बात है, हमारी पार्टी निकाय चुनाव में पूरी मजबूती के साथ तैयार है और निकाय चुनाव में एक बार फिर से कमल खिलेगा। लखनऊ से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हमेशा से मजबूत रहा है और मुझे लगता है कि खतौली विधानसभा की जीत कोई बड़ी जीत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि हमेशा से यहाँ बेहतर करती आई है नगरीय क्षेत्रों में, तो इस बार भी बेहतर करेगी। और उन लोगों में तात्कालिक आधार पर भले ही एकजुटता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन मिले जुले लोगों को भी हरा कर जीत हासिल करेगी। दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव हुए वहाँ पर ऐतिहासिक जीत हुई है, क्योंकि अभी 9 महीने पहले वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विक्रम सैनी बहुत बड़े अंतर से चुनाव विजय प्राप्त की थी उसने, और 9 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आ गया और समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने वो सीट जीत ली। तो इससे ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है। गठबंधनों में पेंच फंसना न फंसना ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये केवल हमारे गठबंधन के साथ नहीं, ये जनरल सी बातें हैं और ये चलती रहती हैं। लेकिन जब नेतृत्व डिसाइड कर देता है जो चीज़ें वही होती हैं। खतौली में जो जीत हुई उसके पीछे कारण ये था कि हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़े थे। खतौली में हमने पिछली बार भी हम बहुत कम मार्जिन से हारे हुए थे, 38% वोट शेयर आरएलडी का था वहाँ पे और 41 पे विजय हुई थी भाजपा की। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज हैं, ऐसे में सभी की निगाहें मेरठ की मेयर सीट पर टिकी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खास अतुल प्रधान अपनी पत्नी सीमा प्रधान को वहां से मेयर की चुनाव के दावेदारी करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में जो खतौली सीट में एक बड़ी जीत मिली है, तो उसमें आरएलडी के सभी दावेदार बढ़ गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पर आरएलडी के नल पर चुनाव लड़ा जाएगा या समाजवादी पार्टी की दौड़ेगी साइकिल। भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि या उनके गठबंधन की बात है और समाजवादी पार्टी और आरएलडी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में पूरी तरीके से मजबूत है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश, एमके न्यूज, लखनऊ।